सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार। अपन ने कक्षा 8 के सिलेबस के हिसाब से करीबन लगभग ग्रामर के सारे टॉपिक पूरे हो चुके हैं। उसमें सिर्फ बचे हैं तो प्रत्यय बचे हुए हैं अभी, ये जो कि थोड़े बहुत मैंने आपको कक्षा 6 और 7 के साथ में समझा दिया। तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय, उसके बाद में स्त्री प्रत्यय, इसके बाद में जो उसमें जो प्रत्यय दे रखे हैं आपके, जैसे कृत प्रत्यय में कुछ प्रत्यय दे रखे हैं, कत कत्वतु सत्रिसानच स्वे कत्वा ल्यप क्यप, इस प्रकार से कुछ प्रत्यय दे रखे हैं तो उनको भी अपन पढ़ेंगे। अब उनको किताब के बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा पहले किताब के लेसन पढ़ लेते हैं। तो जो अपना प्रथम पाठ है सुभाषितानी, सुभाषितानी में कुछ वचन दिए जाते हैं, कुछ अच्छे श्लोक दिए जाते हैं जो कि अपन को जीवन में उतारना चाहिए। यहाँ पर देखिए आप, सु प्लस भाषितानी, सु यानी अच्छे, भाषितानी यानी विचार या भाषा, अच्छी भाषा का प्रयोग करिए। इसमें लिखा गया है आपके सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। जो ये सुभाषितानि शब्द है, ये सु प्लस भाषित, सु प्लस भाषित, इस दो शब्दों से मिलकर के बना है। सु का अर्थ है सुंदर, मधुर या उत्तम या अच्छा। सु का क्या क्या अर्थ है? उत्तम, मधुर, इस प्रकार से इसका अर्थ ले सकते हैं। भाषित का वचन या बोलना। सु का अर्थ तो उत्तम या मधुर, भाषित का वचन या बोलना। तो अपन इन दोनों को मिलाकर के बोलते हैं तो फिर मधुर वचन बोल सकते हैं। सुभाषित का अर्थ क्या हो जाएगा अपने पास? मधुर वचन हो जाएगा। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर या मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति सत्कम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। यहाँ पर जो इस पाठ में, सुभाषितानी पाठ में जो अपने श्लोक आए हुए हैं, जो पद्य आए हुए हैं, वो पद्य एक तो नीति सत्कम, कुमार संभव, पंचतंत्रम आदि इन किताबों से लिए गए हैं, जो कि अपने लिए विचार परक है। इसमें अपन को शिक्षा दी जाती है कि जैसे अपना जो प्रथम श्लोक है इसी को ही देख लेते हैं। तो अब इसमें जो कहा गया है कि गुणा गुणेगेशु गुणा भवंती ते निर्गुणम प्राप्य है भवंती दोषा, सुस्वादु तयो प्रभवती नद्ये समुद्रमासाद्य भवंती अपेय। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपन को पढ़ना आना चाहिए। पढ़ते कैसे हैं? यहाँ से यहाँ तक एक साथ पढ़ेंगे। 4 चरण होते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और ये चौथा चरण। इसमें एक डंडा लगा हुआ होता है और यहाँ पर डबल डंडे लगे हुए होते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक बार, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, 4 चरणों में पढ़ा जाता है इस लोग को। उसके बाद में कठिन शब्दों को इंकित करते हैं, कठिन शब्दों को देखते हैं, जैसे गुणगेशु प्राप्यम, ये प्राप्यम है, स्वादु तोयो सुमुद्र समुद्र मासाद्य, इस प्रकार से कठिन शब्दों को पढ़ा जाता है। उसके बाद में अपन को इनके अर्थ आने चाहिए। तो अर्थ में देखिए गुणा, गुण होते हैं,
अच्छे गुण यहीं पर लिख लो, आप अलग से लिख लेना। अच्छे गुण गुणगेशु गुणवान व्यक्तियों में, गुणवान व्यक्तियों में। गुणगेशु का मतलब क्या होगा? गुणवान व्यक्तियों में। गुणा भवंती गुण यानी अच्छे या सद्गुण या तो अपन सद्गुण बोल सकते हैं या अच्छे गुण बोल सकते हैं। ते निर्गुणम निर्गुणम का मतलब होता है गुणहीन व्यक्ति, गुणहीन व्यक्ति या दुर्जन व्यक्ति, गुणहीन व्यक्ति या दुर्जन व्यक्ति। प्राप्यम भवन्ति दोषाः, प्राप्यम भवन्ति दोषाः, दोषा यानी दोष। स्वादु तोया मीठा जल, इसका मतलब होगा मीठा जल। प्रभवंती बहती है, बहती है। समुद्र मासाध्य, आसाध्य यानी होता है मिलना। अपेय, यहां पर जो निकलेगा वो अपेय निकलेगा, इस अपेय को बोलते हैं पीने योग्य नहीं, पीने योग्य नहीं। अब देखिए ये अपने पास शब्दार्थ आ गए इस श्लोक के, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? गुणा एक तरफ अपनी कॉपी में इस प्रकार से गुणा लिख करके इसके आगे इसका जो मैंने अर्थ बताया है, ये एरो का चिन्ह लगा रखा है मैंने सब जगह, तो गुणा का मतलब होता है अच्छे गुण, गुणगेशु का मतलब गुणवान व्यक्तियों में, गुणा यानी सद्गुण या अच्छे गुण, निर्गुण यानी गुणहीन व्यक्ति या दुर्जन व्यक्ति, साधु तोया यानी मीठा जल, प्रभवंती यानी बहती है, नद्य यानी नदी नदी, समुद्र मासाध्य यानी आसाध्य है, यहाँ पर ये आसाध्य है, इस प्रकार से यहाँ पर संधि हो रही है, अकस वर्ण दीर्घ, दीर्घ संधि हो रही है, इसलिए यहाँ पर आसाध्य बन रहा है, यानी इसका अर्थ होता है मिलना। अपेय का अर्थ होता है पीने योग्य नहीं। तो इस प्रकार से अपने कॉपी में लिखना है आपको। अब चलते हैं इसके अर्थ पर। अब अपन को इनके शब्दार्थ याद हो गए, शब्दार्थ याद होने के बाद में अपन इसके अर्थ की तरफ बढ़ते हैं। तो एक एक शब्द को अपन अर्थ की दृष्टि से देखते हैं। कहा गया है गुणा जो अच्छे गुण होते हैं, गुणा जो अच्छे गुण होते हैं वह गुणवान व्यक्तियों में, किन में? गुणवान व्यक्तियों में सद्गुण के समान रहते हैं, यानी वो वास्तविक गुण के समान ही रहते हैं। जो गुण होते हैं वो गुणवान व्यक्तियों में गुण के रूप में ही रहते हैं। किसके रूप में रहेंगे? देखिए जो गुणवान व्यक्ति है, गुणवान व्यक्ति है, उसमें जो गुण होते हैं वो गुण के सद्गुणों के रूप में ही रहते हैं। ते जैसे निर्गुणः प्राप्य भवन्ति दोषाः, निर्गुणवान व्यक्तियों में यानी निर्गुण व्यक्तियों में यानी गुणहीन व्यक्तियों में अगर वही गुण जो इन सद्गुण में गुणवान व्यक्तियों में जो गुण थे, अगर वही गुण निर्गुण या दुर्जन व्यक्तियों में आ जाते हैं तो फिर वो किसका रूप ले लेते हैं? दोषाः, दोष का रूप ले लेते हैं। एक बार फिर देखिए जो अच्छे गुण होते हैं वो गुणवान व्यक्तियों में सद्गुण के रूप में अच्छे गुण के रूप में ही रहते हैं, भवंती यानी रहना रहते हैं। जैसे निर्गुण और वे ही ते 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 यानी वे ही कौन वे ही? वही गुण निर्गुणवान व्यक्तियों में यानी निर्गुण व्यक्तियों में यानी गुणहीन व्यक्तियों में चले जाते हैं। प्राप्य यानी चला जाना या प्राप्त होना। अगर वही गुण निर्गुण व्यक्तियों को प्राप्त हो जाते हैं तो फिर वो दोषों का रूप ले
लेते हैं। जैसे कहा गया है कि सुस्वादत तयो प्रभवंती नद्या, जो नदी होती है वो अपने सुस्वाद तोया, तोया यानी होता है जल, जो अपना मीठा जल है वह मीठे जल के रूप में बहती है। जो नदी है वो अपने मीठे जल के रूप में बहती है। जो नदी नदी का जल होता है वो मीठा होता है, परंतु समुद्र मासाद्य भवन्ते पेया, परंतु समुद्र समुद्र में आसाद्य मिलने पर, परंतु समुद्र में आसाद्य यानी मिलने पर भवन्ते भवंती अपेया, यहाँ पर भवंती भवंती अपेया इस प्रकार से बनेगा इसका। यहाँ पर गुण संधि हो रही है, यण संधि हो जाएगी, तो भवंती अपेया तो वो पीने पीने योग्य नहीं होता। देखिए सुस्वाद तोया प्रबंधी नद्या, नदी अपने मीठे जल के रूप में बहती है, परंतु समुद्र में मिलने के बाद में वही मीठा जल पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि फिर वो कौन सा जल हो जाता है, खारा जल हो जाता है। उसी प्रकार से कहा गया है कि जो गुण होते हैं, जो अच्छे गुण होते हैं वो गुणवान व्यक्तियों में ही रहते हैं, अपने मूल स्वरूप में गुणवान व्यक्तियों में ही उनका निवास होता है। अगर वही गुण निर्गुण व्यक्तियों को प्राप्त हो जाते हैं तो फिर वो दोषों का रूप ले लेते हैं, वो फिर दोष बन जाते हैं। जैसे एक नदी अपने मीठे जल को लेकर के बहती है तो उसका जल जो होता है वो मीठा होता है, वो पीने योग्य होता है। अगर वही जल समुद्र में मिल जाता है, कौन सा जल, वो मीठा जल ही अगर समुद्र में मिल जाता है तो फिर वो पीने योग्य नहीं होता। तो इसको इसके अर्थ को वीडियो को आगे पीछे लेकर के देख लेना, आपको समझने में आ जाएगा, इसके शब्दार्थ याद होने चाहिए अपन को। तो आज ये इतना ही, अब इसके जो आगे के श्लोक है 5-6 वो अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।